फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट विच इजेक्ट्स फ्रॉम अ मेटल सरफेस फ्यू इलेक्ट्रॉन्स विच आर फुल्ली स्टॉप्ड बाय अ रिटार्डिंग पोटेंशियल ऑफ 3 वोल्ट। यानी कि ऐसी फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है जो इलेक्ट्रॉन निकाल लेने में संभव हो, मतलब जिससे इलेक्ट्रॉन निकाल लेना संभव हो, और वो वाले इलेक्ट्रॉन जो 3 वोल्ट के पोटेंशियल से रुक भी जाते हैं। तो अगर रिटार्डिंग पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको 3 वोल्ट दिया है, यानी कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स वो हम लोग कितनी लेंगे, ईके इज इक्वल टू इसी 3 वोल्ट से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस ज्ञान का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो एच न्यू इज इक्वल टू ईके प्लस वर्क फंक्शन, है ना। अब वर्क फंक्शन हमें पता नहीं है, लेकिन थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट इन लोगों ने दे दी है। कितनी इन्होंने दी है, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट्स ही थ्रेशहोल्ड का हिंट है। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट्स इन दिस मेटल एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 × 10⁴. ठीक है भाई, सही चल रहा है हम लोग, 6 × 10⁴ पर सेकेंड। पर सेकेंड यानी कि हर्ट्ज, कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग, डब्ल्यू की जगह एच न्यू नॉट रख सकते हैं। ठीक है, अब एच न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू ई के, ये बोल सकते हैं, न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू ई के डिवाइडेड बाई एच। याद रखना ई के यहां पे जूल में होना चाहिए, और तो ये न्यू नॉट प्लस में भी आ सकता है, यहां पे इसको यहां ले आओ। तो ये हमें एक तरीके से कैलकुलेट करना है। तो ई के कितनी है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन 1.6 × 10⁻¹⁹, तो कर देंगे तो ये जूल में हो जाएगी। अब एच से डिवाइड करो, एच से डिवाइड यानी 6.6 × 10⁻¹¹ का यूज करो, न्यू नॉट 6 × 10⁴। ठीक है भाई, ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए इसे कैलकुलेट करना, क्योंकि 6.6 डेसिमल वगैरह जाएंगे, थोड़ा 2 से आप काट सकते हैं, इतना सब काम आप कर लेंगे मेरे हिसाब से। तो ये हो जाएगा 0.0727 आ रहा है, 0.727 × 10⁵⁵। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहां पे 7 पॉइंट, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 7.3 × 10⁴ कर सकते हैं ना, 7.3 × 10⁴ प्लस 6 × 10⁴ काफी लिखना पड़ रहा है, लेकिन वर्थ इट है। 13.3 × 10⁴ हर्ट्ज लिखो, पर सेकंड लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कौन सा था ये, 13.3 × 10⁴ आ रहा है भाई, इनका आ रहा है पर सेकंड, ये लोग लिख रहे हैं। चलो यार हम इन्हीं की बात मान लेते हैं, हर्ट्ज नहीं लिखते हैं, पर सेकंड लिखते हैं, बुक से मैच होना चाहिए आंसर भाई। बस अब अगला काम तो इससे भी आसान है, वहां तो केवल वैल्यू पुटिंग है, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच न्यू नॉट निकालना है। एच है 6.6 × 10⁻¹¹ और न्यू नॉट हम लोग लिए हुए बैठे हैं 6 × 10⁴। ठीक है, तो 6.6 का 6 में आप मल्टीप्लाई करिए, 39.6 आएगा, है ना, और × 10⁻¹⁰, ऐसा कुछ आएगा। और ये लोग बोल रहे हैं 3.96 × 10⁻¹⁹, कोई दिक्कत नहीं, क्या वर्क फंक्शन है तो जूल में, है ना, क्योंकि प्लैंक्स कांस्टेंट का यूज कर रहे हैं तो जूल में ही आएगा। दिस क्वेश्चन इज डन नाउ।